यू गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग मतलब आपका जो LG टीवी है, LG का जो डब्बा वाला टीवी होता है मतलब CRT टीवी, उसको आप लोग कैसे AV में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब इसमें एक रिमोट आता है हमारे पास। सो वो रिमोट अगर आपका गुम हो जाता है या फिर उसकी मतलब बैटरीज वगैरह खत्म हो जाती है, आप तो टीवी के मेन्यू से कैसे AV कर सकते हो। ठीक है, LG का टीवी आप लोग देख सकते हो और ये रेड लाइट जल रही है यहाँ पे और यहाँ पे कुछ बटन से देखने को मिल जाते हैं हमारे को। सो ये काफी सारे लोगों के पास होगा LG का ये वाला टीवी। सो इसके अंदर हम AV कैसे कर सकते हैं वो आपको आपको बताने वाला हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जैसे ही आप लोग टीवी को ऑन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको एक मेन्यू का बटन देखने को मिलेगा टीवी की सेटिंग्स में, LG के टीवी में। तो यहाँ पे इस मेन्यू वाले बटन को क्लिक करना होगा, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। सो यहाँ पे आपको जाना होगा लास्ट वाले ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे CH चैनल लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे को इस वाले ऑप्शन में जाना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो चैनल चेंज करने वाला बटन है उसको दबाएंगे। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे भी ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर हम ऐसे करेंगे तो ये सेकंड ऑप्शन पर आ गया। इसी तरह से हमें थर्ड ऑप्शन पर ले जाना होगा इसको। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये थर्ड ऑप्शन पर आ चुका है। अब क्या करना होगा, हमारे को जो वॉल्यूम का बटन है इसके अंदर आता है राइट साइड वाला, उसको दबाना होगा। उसको जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इनपुट का ऑप्शन दिखाई देगा आपके टीवी के अंदर। ये इनपुट का ऑप्शन नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सो यहाँ पे आपको इनपुट वाले ऑप्शन पे जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट नंबर पे है तो आ गया। उसके बाद आपको वॉल्यूम वाला बटन फिर से दबाना होगा। सो राइट वाला बटन दबाना होगा। सो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन खुल कर आएंगे, TU और AV। सो यहाँ पे जैसे ही AV पे जाओगे चैनल का बटन चेंज करके आपका जो है AV हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप लोग देखिएगा। जैसे ही मैं AV वाला दबाता हूँ हमारे जो सेटअप बॉक्स के जो फ्री डिश का सेटअप बॉक्स है उसके सिग्नल इसने पकड़ लिए। फिर इसको मेन्यू को और बटन को हटाने के लिए आपको ओके कर देना होगा। ठीक है, तो ये ओके दबा देना होगा दो तीन बार और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो AV लिखा हुआ आ चुका है और हमारे सिग्नल पकड़ लिए हैं इसने और हमारी डिश वगैरह सब चालू हो चुकी है। सो इस तरह से आप अपने LG की टीवी में बिना रिमोट के, फिर आपकी बैटरी खत्म हो जाती है रिमोट की, सो उस बिना रिमोट को यूज करें आप लोग कैसे इसको AV में ला सकते हैं टीवी से। सो ये मैंने आज आपको बताया। सो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दोबारा मत भूलना।